और भाटी को लेकर बीजेपी में ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जुबानी हमले तेज हो रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमाराम चौधरी ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके रविंद्र सिंह भाटी पर जुबानी हमला बोला है। कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल के समर्थन में आयोजित एक जनसभा में गुड़ामालानी विधानसभा सीट से 6 बार विधायक और कैबिनेट मंत्री और साथ ही साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके दिग्गज जाट नेता, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसमें, हेमाराम चौधरी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। कर चुके शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर हमला बोलते हुए उन्हें राजस्थान की देशी भाषा में खिजोड़ा हुआ ऊंट यानी पागल ऊंट तक बता दिया। उन्होंने कहा कि बिना पार्टियों के उम्मीदवार बिना लगाम के घोड़े और ऊंट की तरह होते हैं जिन पर काबू नहीं पाया जा सकता। साथ ही उन्होंने निर्दलीय विधायक बन चुके रविंद्र सिंह भाटी को अति महत्वाकांक्षी बता दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। एक बड़ा ऊंट लक्कड़ है वेला वेला नहीं वेला पण मने लागे के एक ऊंट लक्कड़ बैठा रहो बड़ो दोष नहीं शिव में ऊपर लक्कड़ फाट गया तो हमने देखियो हमें हृदय ऊपर लकड़ी फाट हृदय नहीं फाटे एकर बाज की बाज गया एकर डैम की बाज गया हमेशा रोज रोज डैम की नहीं बाजे और मैं तो कि मैं भिलाई को नहीं बोट पर बार रूपर हम जी कहता ना खिजड़ो ऊंट बिना मोरी को ऊंट खिजड़ो तो है देखो है मोरी भी को नहीं हमें रोको की कर बिना और रुके के कहूँ है दो मैं है कौन ऊंट था कौन गाँव ने कहता ऊंट के आप लोगों ने ध्यान रखना है अब अरे कहता नहीं वो भी है तो वोट मोरा ही तोड़ी तो वो अपनी पार्टी रो नहीं है बड़ी पार्टी को टिकट मिली को जरा निर्दलीय खड़ा हो गया टिकट नहीं मिली निर्दलीय खड़ा हो गया कड़ा रीति नीति में विश्वास करे बोंगो मकसद सिर्फ एक ही एमएलए बनना एमएलए हूँ संतोष नहीं हो एम पी बनना इन अलावा मन तो नहीं लागे लेकिन मैं यूं कर दे आसमान तारा तोड़ दे किकर तोड़ दे ठीक है एकला तारा किकर तोड़ दे पार्टी आऊँ तो टूटे ही कौन तारा एक आदमी किकर तारा तोड़ दे मेरे धमज में गई कौन तारा कहेंगे तोड़ी हमारा अखबार पटियो हो थे कौन पटियो दो हैंड पंपा या है ए तारा तोड़िया बताई तारा तोड़ी गई दो हैंड पंप तो तारा तो ही तोड़ी पर मैंने कह मिनको उठानी पड़ेगी कि कभी कभी मैंने की सिंगर सड़ जी है गए हरी जिम खावे नहीं बदे बाद में सिंगर सड़े कौन छड़े दबी नहीं रहे तो सिंगर सड़ी उड़ा है पर फिर हैंग लोग ठीक रहे हो तो भले ही सिंगर सड़े नहीं कही है मजबूत रहे हो समझाओ लोगों ने कि अपने कांग्रेस में हो कांग्रेस ने वोट देना है कांग्रेस उम्मीदवार जीताना है। हेमाराम चौधरी के इस जुबानी हमले का जवाब रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों ने सोशल मीडिया के जरिए दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने ये आपको पढ़वाते हैं। उस पर लिखा गया, रेत और रेगिस्तान का साथी है खिजोड़ो ऊंट, धोरों में रहने का आदि है खिजोड़ो ऊंट। साथ ही लिखा गया, बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा का अभिमान है खिजोड़ो ऊंट। रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में लिखा गया, ओरण का सहयोगी है खिजोड़ो ऊंट, गरीबों का सहारा बनेगा खिजोड़ो ऊंट। ये रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर लिखा। हेमाराम चौधरी को भाटी के समर्थकों ने जवाब देते हुए लिखा कि अच्छे अच्छों के नकाब उतार रहा है खिजोड़ो ऊंट, साथ ही कुंठित मानसिकता वालों को भी स्नेह से देख रहा है। 36 कौम का भरोसेमंद है खिजोड़ो ऊंट, वोटों से भरे बोरे दिल्ली ले जाएगा खिजोड़ो ऊंट। ये भी लिखा गया और साथ ही लिखा गया कि मोदी और शाह के सामने टेबल बजाकर रेगिस्तान की बात रखेगा, दिल्ली से धोरों में विकास के बोरे भरकर लाएगा, रेत और रेगिस्तान का साथी बताया खिजोड़ो ऊंट को यानी कि पागल ऊंट को, धोरों में रहने का आदि बताया खिजोड़ो ऊंट को। आपको बता दें खिजोड़ो ऊंट राजस्थानी भाषा में पागल ऊंट को कहा जाता है। हेमाराम चौधरी ने एक जनसभा के दौरान रविंद्र सिंह भाटी को खिजोड़ो ऊंट कहा, जिसके जवाब में रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर ये नारे लगाए हैं। लिखा कि गरीबों का सहारा बनेगा खिजोड़ो ऊंट। रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में लिखा गया कि अच्छे अच्छों को के नकाब उतार रहा है और कुंठित मानसिकता वालों को भी स्नेह से देख रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कन्हैया लाल हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। कन्हैया, ये पूरा जो मसला है रविंद्र सिंह भाटी पर जुबानी हमला भी लगातार अब तेज हो रहा है, और क्योंकि वो एक बड़ी चुनौती बनकर के भी उतर रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा में,
हजारों की भीड़ दिखाई दे रही है, धरातल पर क्या स्थिति रविंदर सिंह भाटी की है जरा ये बताइए, उसके बाद फिर हेमाराम चौधरी प्रकरण पर आएंगे। जी मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जो रविंद्र सिंह भाटी है वो लगातार ही जो बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा सीट क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा ईद आराधना यात्रा करके यात्रा निकाले हैं और इन यात्राओं में लगातार उन्हें जबरदस्त जनसंपर्क मिल रहा है और इसके चलते कई पार्टियां जैसे भाजपा और कांग्रेस की पार्टियां उनकी नींद उड़ा रखी है और इसी के चलते कल एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ था और वहां पर बोलते हुए हेमाराम चौधरी ने बड़ा जुबानी हमला बोला है रविंद्र सिंह भाटी पर। जी तो ये हेमाराम चौधरी ने भी उधर से काफी हमला बोला और उसके बाद सोशल मीडिया पर खूब वायरल उनका वीडियो हुआ जिसके अब जवाब में कन्हैया भाटी के समर्थकों ने लिखा कि मोदी और शाह के सामने टेबल बजाकर रेगिस्तान की बात रखेगा ये ऊंट। तो कहने का मतलब ये है कि तमाम जो युवा हैं उनके बीच में रविंद्र सिंह भाटी की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा मजबूती के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्या? जी बिल्कुल, रविंद्र सिंह भाटी जो जेएनयू जोधपुर है वहां से निर्दलीय छात्र सिंह चुनाव से लेकर आज दिन तक उनकी जो पॉपुलरिटी है जो लोकप्रियता है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके बाद विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा में शामिल हुए थे, वहां से टिकट भी मांगी थी लेकिन उनको टिकट नहीं मिली, जिसके बाद महज 8 ही दिनों में उन्होंने पार्टी छोड़ दी और निर्दलीय चुनाव लड़ा और जबरदस्त तरीके से वहां से जीत दर्ज की। और इस बार वो जाना चाहते थे भारतीय जनता के पार्टी के साथ, उन्होंने अपनी शर्तें भी रखी थी लेकिन भाजपा ने कहीं ना कहीं वो शर्तें मानी नहीं और जिसके बाद उन्होंने अभी पिछले दिनों सर्व समाज की एक बड़ी बैठक बुलाकर निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने की। ठीक है जी,